अच्छा काऊ के ये माताओं की आदत होती है, जैसे जब नया सोना कुछ बनवा के लाती है ना, तो अगर पहन ले तो सबसे पहले दिखाने की कोशिश करती है। कुछ लोगों को दिखावा बड़ा पसंद होता है, हमने तो कई लोग देखे, कभी कभी निगाह पड़ जाती है तो घर पे भी पहुंची भागवत बुक करने, तो भाई कुछ लोगों की आदत होती है गले में मोटी सी चेन होगी वो कॉलर से बाहर होगी। एक बार शास्त्री जी निगाह तो कर ही ले, कॉलर से वो भी बाहर, और अंगूठी अगर चार पांच पहन रखी होगी ना तो बार बार संभालेंगे भाई निगाह पहुंच जाए। और माताएं, ये माताएं अगर कुछ नया लेके आएंगी ना सोने का, तो हर काम इनका उसी से होगा, वो बार रख दो उठा के, वो गले में थोड़ा टाइट हो रहा है। और अच्छा वो तुम्हें तो पता ही है कि वो सामान हम खाते ही नहीं, वो बाहर से वहां रख दो, अंगूठी अगर नहीं है ना तो उंगली से ही काम होगा। आदत तो तुम का कम हो, बड़े हंस रहे हो, नया फोन हो ना हाथ में 1.5-2 लाख का, बार बार पड़ोसी जब तक नहीं दे भाई कब लिया, अरे बहुत महंगा है, हाथ में घड़ी महंगी हो ना तुम्हारी कसम 1.5 लाख की आई है, पागल हो गया हल्के में ले रहे हो, मतलब बताना तो है, दिखावा दिखावा करने से कुछ नहीं होता। सोना और माताएं, मैं आपसे ये नहीं कहती और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, अगर हो सके तो भागवत में सोना पहन के ना आया करो, हो सके तो, अगर ये गलत है ना, अगर गलत बोल रही हूँ तो बताना, भागवत में सोना पहनने की क्या जरूरत है, ये धर्म का कार्य है भाई। शादी विवाह की बात अलग है, लोग कहेंगे कि नहीं होगा, नहीं दिया नहीं होगा, सासू माने तो नहीं पहन के आई हो, और सोने से क्या हो जाता। अबे जैसे पिछली बार जो अभी 23 को भागवत लास्ट हुई है ना, वो नंगला प्रेमी में 24 को भंडारा था उसका, वहां दिन में दिन दहाड़े चोरी हो गई, वो सोना भाई जब दिखाने आओगी फिर घर पे ले जाओगी, इससे अच्छा ससुराल में छोड़ के आओ, सबको पता है जो होगा वो, और नहीं है लोग कहेंगे किसके पास है नहीं तो बोल दो नहीं है, बात खत्म। लेकिन धार्मिक कार्यों में ये सोना होना अच्छा लगता ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ माताओं को शौक होता तो आपकी बात अलग है भाई, पहनी हम मना तो नहीं कर सकते। भैया सत्राजित भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचा, वहां यादव आपस में बातें करने लगे, बोले दादा जब मड़ी जगह गले में अच्छी नाई लग रही, दूसरो बोलो अगर जब भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तीसरो बोलो भैया मोर नाचो का नाचो, जंगल में कावरे नाए देखो अपनी छत पे नाचो सबने देखो, अगर जब मड़ी भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्रह जिस समझ गो कि अहिर की खोपड़ी में कीरा रो रे आए रो निकल लियो, भगवान बोले वैसे हमें तो कोई बात ना हमें चाहिए ना ही, लेकिन जे है कि अगर मन हो सत्राजित को दे दे। ये आर्यन सन ऑफ सुनील कुमार भैया ग्राम नगला किल्ली इसी गांव से माल्यार्पण कर रहे हैं भैया, समस्त स्टाफ को सम्मानित करें, संत भगवानों को कलश वाली कन्याओं को भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। बंधुओं सत्राजित लौट आया और अपने छोटे भैया प्रसेन को मणि पकड़ाई, तो प्रसेन बोलो है कि जब मणि हमें लाओ, और सुनो माल्यार्पण कर रहे अर्पित यादव अगला गजू से मनोज भैया, उनके भांजे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोला है वो प्रसेन, बोला प्रसेन उसके मुख में और क्षण भर में पानी आता है,
सच है बोली के रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा और एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे हमें लाओ। लई प्रसेन ने मड़ी और शिकार खेलने के लिए चल दिया। शिकार खेलने के लिए जब चला तो दादा एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और सिंह व मड़ी को लेके जामवंत की कुटिया से है के निकले तो जामवंत ने बस सिंह को वध करो और मड़ी अपनी गुफा में रख ली। 15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई और सत्राजित को ये शक हो गया कि हमें ये लगता है भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाएगा। अब बड़े घर की बात को कह सकते हो? जब भगवान कलंकित तो हो सकते हैं परीक्षित तो हमें और आपको लोगों को कलंक लगाने में देर नहीं लगती। भगवान को लोगों ने कलंकित कर दिया तो हम और आप बहुत छोटे हो। एक दिन सत्रहित की पत्नी सत्रहित के पांव दबाए रही सो पूछने लगी महाराज जी बताओ वैसे तुम रोज 6-6 रोटी खा जाते थे अब 2 रोटी खाता हो क्या बात है? सत्रहित बोलो देवी कोई बात नहीं। बोले महाराज क्या बात है? बोले देवी कोई बात ना है। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। चाहे कितनी अच्छी बात कहो कितनी खराब बात बता दो उनसे हजम ही नहीं होती। कितनी भी प्यारी हो और रोज समझाते भैया रोज समझा रहे कि विश्वासम पात्रम ने किमस्ते लोके नारी विश्वासम पात्रम ने किमस्ते लोके नारी औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। ऐसा हम नहीं भागवत कहती है और दादा अपनी पे तो करी लियो पराई पे तो धोगे मत करियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा सत्रहित बोलो देवी अगर तुमने कहूं ओट खोल रहे तो भैया मारा गया वो तो मारा गया मैं भी मारा जाऊंगा। लियो इन्हें मूड काट बैठगा दे दियो जी अपने कबू ना हो साथ भामरे डाल के लाए तू ऐसे ही ना ले आयो बताओ क्या बात है? बोले देवी तुमने कहूं ओट खोल दे तो गजब भेजा भेगा। बोले कहीं नहीं बोलूंगा तुम बताओ क्या बात है? कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए।
ये माल्यार पर कर रहे हैं अमर यादव भैया, सुनो श्री शिवनाथ सिंह दादाजी, समस्त स्टाफ को सम्मानित करें, कलश वाली कन्या संत भगवान भगवान को संपत्ति प्रदान करें। और ये माल्यार पर कर रहे हैं गुरजीत यादव भैया कमेटी सदस्य, समस्त स्टाफ को सम्मानित करें, संत भगवानों को, कलश वाली कन्याओं को, और भंडारे में 2100 रुपए दान दे रहे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। 17 तो बोलो देवी भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को बध करवा दियो। बोली सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हारी कसम खाए के कह रहे हम का उसे ओठ ना खोले, तुम सो जाओ। पति को सुबाइवे के बाद में रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआ पे पहुंची, कभे पड़ोस ने आए कभे पेट को बहू को निकाले। सो 5 बजे एक पड़ोस ने आई, बोली बहना आज बड़ी जल्दी आई गई, पति कहूं जाए रहेगा। सो 17 की पत्नी बोली बहना शाम को बेऊ प्यासे सोई है, हमऊ प्यासी सोई, ललू प्यासे सोई है, सो हम जल्दी आए गए। अब पड़ोस ने बोली काय पता ना, चलो तुम्हारे देवर कोने मार दे। अब 17 की पत्नी बोली चुप रहो करो, हम पता चले मेरे को रात। बोले तो बताओ बहना, तो मेरी कसम है और तो बेटा की सौगंध है का उस कोठ मत खोलिए। पड़ोस ने कहा लगी तुम चुप रहो करो बहना, तुमने ऐसी ऐसी बातें कही सुमने उन्हें नहीं बताई, तो हमें बताओ क्या बात है। बोले भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवा दियो। महाराज 5 बजे से सुबह के जब तक 7 बजे तब तक पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवा दियो। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले, जब कलंक छुटाने के लिए चले तो क्या देखा है, एक घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा, जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे, जवानों को इशारा दिया अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे भगवान अब वापस आने वाले नहीं है। अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसे ही मणि के लिए हाथ तो बढ़ाओ तो कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की माँ भी रोने लगी, अब जाम बंतर के सब में कछु आता पाई आन लगी।